हाय गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आरआरबीजेई का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, और उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो किस सब्जेक्ट से आपका कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस टॉपिक को आपको कितने दिन में कवर करना होगा, और कितने ईजिली आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में, वो आपके हैं 10 सब्जेक्ट्स, और वहीं दूसरी तरफ आपका जो मार्क्स एग्ज़ाम आएगा वो भी आपका 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सभी पार्ट जो होगा आपका, जितने भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 10-10 मार्क्स के सभी एग्जाम के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये फिक्स नहीं है, आपका जो पेपर होता है वो रैंडम आता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर्वर से रैंडमली चूज़ करे जाते हैं। तो समटाइम्स आपके किसी एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट से 2 भी, किसी से 4 भी, किसी से 10 भी, किसी से 40 या 50 भी। इसमें कोई आपका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर्वर में फीड किए जाते हैं और उसके बाद सर्वर अपने आप ही उनको चूज़ करता है और आपके पेपर पे उनको फिक्स करता है। ठीक है, तो पेपर कभी भी सेट करके अपलोड नहीं किया जाता, सिर्फ क्वेश्चंस को अपलोड किया जाता है और वहाँ से वो सर्वर से अपने आप ही कलेक्ट होकर 100 क्वेश्चंस वो आते हैं, तो वो सब कुछ रैंडम होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके 10-10 क्वेश्चंस ही आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सब्जेक्ट से 2 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं इजी वाले टॉपिक आपको बता देता हूँ कि पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपका कितना पार्ट थ्योरी होगा और कितने न्यूमेरिकल। आपका उसमें 80% तो आपका थ्योरी पार्ट होगा, 20% आपका न्यूमेरिकल होगा। 20% न्यूमेरिकल मैं आपका बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है तो न्यूमेरिकल्स के बीच में मत अटकना, थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट करो, नॉन टेक्निकल पर कॉन्सेंट्रेट करो। नॉन टेक्निकल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से करना है, फिर से मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें आपको लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है, जिसको देखते ही आप डर जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी वाला टॉपिक चूज़ करना है, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। ये जो आपके 3 टॉपिक हैं एक्चुअल में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आते हैं तीनों टॉपिक, और ये आपके बहुत ही इजी वाले टॉपिक हैं। अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपके लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होते हैं वो थ्योरी वाले होते हैं और थ्योरी ही आप बेस्ट तरीके से करते हो, जो मैंने नोटिस किया है। ठीक है, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, और उसी के साथ मेट्रोलॉजी आपका वही स्लिप गेज, डायल गेज, वही एंगल मेजरमेंट, तो बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन अभी, तो आप मशीनिंग से स्टार्ट करो, देन वेल्डिंग करो, देन ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस करो। मशीनिंग में आपको मैक्सिमम 2 दिन लग जाएंगे, वेल्डिंग में भी आपको 2 दिन लग जाएंगे, पूरे 8-8 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। और सबसे पहली चीज़, जो भी आपका टॉपिक है पर्टिकुलर टॉपिक को देख के पढ़ो, लाइक वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग। इसी तरीके से आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, तो इसी तरीके से सीरीज वाइज पढ़ते जाओ। ये नहीं कि आपने मशीनिंग देखा, बुक उठाई और पूरी चार्ट की, नहीं, आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना। उस बुक में आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया होगा जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, लाइक शेपर, इंट्रोडक्शन टू शेपर। तो शेपर, स्लोटर, प्लेनर, ब्रोचिंग, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इनको सीरीज वाइज पढ़ो। ब्रोचिंग के बारे में जो भी है, ब्रोचिंग का क्लासिफिकेशन, ब्रोचिंग के बारे में कितने टाइप के ब्रोच होती हैं, क्या होते हैं, किस तरीके का टूल होता है, जो भी होता है उस तरीके से आपको उसमें पढ़ना है। वेल्डिंग में भी आपको यही करना है, आपको डायग्राम्स याद करने हैं, कितने तरीके की आपकी वेल्डिंग होती है, किस किस तरीके की आपकी वेल्डिंग होती है, किस तरीके के आपके वेल्डिंग वाले जॉइंट्स होते हैं, वो सब आपको करना है। ध्यान आता है आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उसमें एडहेसिव यूज़ किए जाते हैं, क्या एब्रेसिव यूज़ किए जाते हैं, क्या नेचुरल होती है, आर्टिकल होती है, और फिनिशिंग बाय ग्राइंडिंग होती है, होनिंग होती है, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, ये क्या होती है। सिंपल एक एक वर्ड की लाइन की डेफिनेशंस हैं, जिनको आप सिंपली थ्योरी को एक बार पढ़ लो, डायग्राम देख लो, तो आप ईजिली उनको याद कर पाओगे। ठीक है, देन चीज़ आती है मेट्रोलॉजी आपका एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसको आप सिर्फ 1 दिन में ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड मेट्रोलॉजी को पूरा करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 5 दिन लगने हैं, अगर आप 8 घंटे के आसपास टाइम देते हो। ठीक है, और अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको इसको करने में 7 दिन लगते हैं। तो 7 दिन में आप अपने 4 सब्जेक्ट कर पाओगे, बचे आपके 6 सब्जेक्ट।
ठीक है, और दिन बचे आपके पास 14। देन बात आती है गाइस आपकी, उसके बाद आपको करना है सोम। सोम भी आपका 1 से 2 दिन का टाइम लेगा। सोम आपको ध्यान से करना है जितने भी, क्योंकि सोम से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप एक न्यूमेरिकल वाले स्टूडेंट हो तो आप न्यूमेरिकल कॉन्सेंट्रेट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सोम के, और मैकेनिक्स के भी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैकेनिक्स सबसे बाद में करना, बट मैकेनिक सबसे ज़्यादा ईजी होती है आपकी, क्योंकि अगर आपने सोम कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको मैकेनिक्स आती ही होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स को करने में आपको 1 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, बट उसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं। अगर आप इसको लास्ट के लिए छोड़ते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे नहीं कैसे पढ़ना है। बट अगर आप स्टार्टिंग में मैकेनिक्स स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा टॉपिक्स देख के आप डर जाओगे और बुक्स को उठा कर रख दोगे। सो इट्स बेटर कि आप थ्योरी से स्टार्ट करो और फिर अपना लेवल को एडवांस करो। तो थ्योरी थ्योरी वाले पार्ट्स के बाद आपको सोम करनी है, देन आपको मटेरियल साइंस करनी है, और फिर उसके बाद आपको थर्मल करनी है, थर्मल या हाइड्रोलिक, फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में से आप एक कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बहुत इजी वाला पार्ट है, इसको सबसे बाद में करना है आपको, मैकेनिक्स के बाद में भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, देन मेट्रोलॉजी, उसके बाद आप कर सकते हो फ्लूड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स या सोम में से आप एक कर सकते हो। थ्योरी वाले पार्ट के बाद आप पहले सोम करो और उसके बाद आपको करना है फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। देन उसके बाद आप कर सकते हो मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस का इस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो उसका चार्ट है बड़ा वाला, वो आपको ज़रूर ज़रूर कर लेना है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, ये भी आपको ज़रूर याद कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, कितने प्रोसेस होते हैं, एनीलिंग कैसे होती है, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टैम्परिंग, जितने भी इनके जो नंबर्स वंबर्स होते हैं, जो भी होता है, ठीक है, वो सब कुछ आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। और मटेरियल साइंस अगर आप करना चाहते हो तो मेडिजे की हैंडबुक में काफ़ी अच्छे से दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसको रट लो, मोर देन इनफ है। मेडिजे की हैंडबुक में जो मटेरियल साइंस है, सिर्फ उसको रट लो, मोर देन इनफ है वो। ठीक है, देन चीज़ आती है आपकी फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। उसके बाद आप कर सकते हो थर्मल इंजीनियरिंग, एंड देन आप कर सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और सबसे लास्ट में आप कर सकते हो क्या, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। आपको भी पता है कि अगर आप आज से देखते हो तो मैक्सिमम आपके पास 20 दिन बचे हैं एग्जाम के, 20 डेज अकॉर्डिंग टू RRB JEE ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आपको 20 दिन में ही अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी होगी। तो गाइस, अगर आप आज 8 घंटे अपनी स्टडी के लिए नहीं दे रहे हो, तो पहली चीज़ आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस ही नहीं हो, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो घंटा आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, चाहे आपको 40 दिन दे दिए जाएँ, 50 दिन दे दिए जाएँ। जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है तो आपको करना ही क्या है, आपको सिंपली आपको पढ़ना है, रिजल्ट का वेट क्या करना है। अगर आप आंसर की आ चुकी है, आपको पता है आपके 60-65 मार्क्स आ रहे हैं, पहली चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो और आपके 60-65 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप हर एक जोन में सेफ हो इजीली, अपनी CBT 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। और अगर आप OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, और आपके मार्क्स आ रहे हैं 55 से 60, ठीक है, मिनिमम इतने आ रहे हैं, तो भी आप भी सेफ हो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जोन में। और अगर आप इससे नीचे ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, 55 तक, ठीक है, 55-45, तो भी आप सेफ हो किसी किसी जोन में, ऑलमोस्ट नॉट, ना सभी में नहीं, बट किसी किसी जोन में आप सेफ हो। और किस किस जोन में, ये कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, कितना भी बड़ा आप एनालाइज, कोई भी नहीं बता सकता जब तक आपका एग्ज़ाम रिलीज़ ना कर दिया जाए। और उसी के साथ गाइस, ये चीज़ आपकी नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, उससे आपका सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी 30 वाले को 20 मार्क्स मिल जाते हैं, 50 मार्क्स उसके हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर फॉर CBT 2, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको लग रहा है आपके 40, अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी बंदे के 40 आ रहे हैं, तो भाई प्रिपरेशन पे लग जाओ। नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। मैं इतनी ये नहीं बोल रहा कि एकदम हो ही जाएगा, बट फिर अब आपके पास, अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो CBT 2 के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो क्या पता आपका फर्स्ट में सिलेक्शन हो जाए और सेकंड की आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी, वहाँ जाके दूसरों का मुंह देखोगे, पेपर को छोड़ के आओगे, पछताओगे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। जब RRB ने खुद से अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजल्ट से पहले रिलीज़ कर दिया, जो कि RRB मोस्ट ऑफ द टाइम पहले नहीं करता था, ठीक है, एग्जाम डेट या तो आपको पहले नोटिफिकेशन भी बता देगा, अगर नहीं बताएगा तो ऐसे बीच में रिलीज़ नहीं करता था, जबकि RRB ने रिजल्ट से पहले आपकी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी, या तो अगस्त के लास्ट में, सितंबर के स्टार्टिंग में। तो सीधी सी बात है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा तो आपका सितंबर के स्टार्टिंग में ही, बट अगर आप सितंबर का स्टार्टिंग लेकर चलते हो तो आपके पास आज से 12 अगस्त से आपके पास बच जाते हैं 20 दिन
20 दिन ही टोटल आपके पास बचते हैं आज का दिन को इंक्लूड करके। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे जाओ, अभी के अभी अपने स्टडी पैटर्न को फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, दिन में 8 घंटे आपको पढ़ना है। जो भी आप करते हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, 8 घंटे मिनिमम दो। अगर 20 दिन 6 घंटे सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाओगे। कुछ भी करो, मिनिमम 8 घंटे पढ़ो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और क्वालिटी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि किताब लेके बैठ गए और बस एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, रट रहे हो। समझो उस चीज़ को, और इतना भी नहीं समझना कि एक वर्ड देख लिया तो उसको गूगल पे सर्च करके उसके डीपली पढ़े जा रहे हो। जो आपका सिलेबस में टॉपिक है, सिंपली आपका नोटिफिकेशन खोल के रखो अपने सामने, टॉपिक देखो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक करो, टिक लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक करो, टिक लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक करो, टिक लगाओ। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट अगर चाहो तो ईजिली कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका। ऐसे ही नहीं आए, आप ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आपने पहले भी ये पढ़ा है। अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीधी सी बात है, 2 साल आपको हो गए प्रिपरेशन करते हुए, उससे पहले आपने 4 साल और अपने डिप्लोमा में भी टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट नहीं किया, आदमी टाइम इन्वेस्ट किया है, पढ़े थे आप वहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करना है, फिर से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको रिवाइज़ करने में मैक्सिमम 2 दिन, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक बार रिव्यू करना है, रिवाइज़ करना है, जो भी आपको करना है वही करना है। इतने ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं है, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टैम्परिंग, कार्बराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये सिंपल से टॉपिक हैं यार, एक एक पेज में लिख के आए हो आप इनको एग्ज़ाम में, सिंपल टॉपिक है। कितना टाइम लगेगा आपको, ये जो आपका टॉपिक है मटेरियल साइंस वाला, इम्पोर्टेंस ऑफ ई ट्रीटमेंट, ये आप दो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 घंटा लगेगा ये सारे टॉपिक्स कवर करने में। सिंपल सी चीज़ है यार, थ्योरी दी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी इजीली कर लोगे। CBT 1 हार्ड था, CBT 2 बिल्कुल हार्ड नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 20 दिन आपके लिए मोर देन इनफ हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। एवरेज स्टूडेंट वो जिसके बीटेक में 60-70% मार्क्स थे, 60% मार्क्स थे, वो एवरेज स्टूडेंट होता है। और एवरेज स्टूडेंट एग्जाम इजीली क्लियर कर लेता है, बिकॉज उसको पता होता है कि लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। और गाइस, एग्जाम को आपको इसी तरीके से पढ़ना है जैसे आप अपने बीटेक में पढ़ते थे, जैसे आप अपने डिप्लोमा में पढ़ते थे, ठीक है गाइस। सो यही आपके पास टाइम बचा है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं, आप कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट और घर वालों का भी टाइम वेस्ट, ठीक है। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बताना था वीडियो में, सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी पढ़ लें, आप ना पढ़ो तो एटलीस्ट वो पढ़ ले, आपका एग्जाम क्लियर ना हो तो एटलीस्ट उसका तो हो जाए आपकी वजह से। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है गाइस। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, विद दैट सेड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट टू द पर्सन हु इज़ शेयरिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट टू द पर्सन हु इज़ कमेंटिंग एंड आस्किंग समथिंग, ऑल द बेस्ट टू द पर्सन एंड ऑल द बेस्ट टू यू भाई, ऑल द बेस्ट।